तो इक्विटी फ्यूचर्स और मतलब पेयर ट्रेडिंग भी मैंने लूँगा लूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, तो इसमें आप लोगों को सुविधा हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये कैसे इसको इस्ता है और कैसे ये इस्ता है और कैसे ये काम करता है। तो आप लोग इसमें तो देखते हैं। तो मार्केट के जैसे प्रिडिक्ट किया था मेरा जो निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस में, तो मार्केट ऊपर गया है, ऊपर है और ऊपर ही गया है। तो और भी लेकिन एक कसन का बात यह है कि वो भी मैं बोला था, वो मैंने बोला था, वो मैंने बोला था कि जब अपर लेवल में इसका बहुत ही हेवी शॉर्ट कवरिंग हुआ था पुट साइड में, उधर थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। तो आप लोगों को एक चीज़ दिखा आप लोगों को एक चीज़ दिखा आप लोगों को एक अपडेट फाइल, तो आज का फाइल तो अपडेट कर लिया। तो वो फाइल कल किया था, और कल जो मेरा टेलीकॉम चैनल पे जो फाइल शेयर किया था उसका हिसाब से आज का मार्केट होने से ओपन हो गया क्या, तो ये क्या, तो ये क्या, तो ये क्या होता था, देता है देता है देता है। देखिए ये कल का फाइल था, जो लोग टेलीकॉम चैनल पे आए वो आप लोग को मिल जाएगा गया होगा। और मैंने जो बाय सेल लेवल्स दिखाया था आप लोगों को, मेरा बाय सेल लेवल जो वीडियो बाय सेल लेवल वाला जो वीडियो है, बाइनेंस सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी, वो वाला वीडियो में भी आप लोग को यही लेवल दिखेगा। तो देखिए इधर 20,622 के ऊपर इसका लेवल था, तो मतलब निफ्टी का, और मतलब मैंने फ्यूचर को पकड़ता हूँ, 20,600 का लेवल था ऊपर इसका लेवल था, और इधर 9,385 के ऊपर इसका लेवल था। ठीक है, तो इसमें मैंने एक बार चार्ट पे देख लेता हूँ। चार्ट में देखिए इधर 544 में ओपन हुआ था, इधर देखिए चार्ट पे, सॉरी ये निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर, तो इधर ओपन हुआ था
ओपन होने के बाद यह था चाहिए नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट। इसमें देखिए, इधर देखिए 540 में ओपन हुआ था, उसके बाद ये इसका हाई गया था 745 तक। तो अब लोग इस लेवल पे काम करते थे, तो अब लोगों को इधर से एंट्री होता था। किसने कहाँ पे एंट्री होता था इधर से, एक मिनट। सौ तैतालीस में इसका वाई का लेवल था। तो ना ये तो आज का है, नहीं ये यही कल का था। 643 में इसका ओपन हुआ था, 643 में इसका वाई का लेवल था, गया था सर ऊपर, गया था 700 करीब 745 तक। तो इधर से आप लोग एंट्री लिस्ट, उसके बाद 609, उसके बाद 643 के ऊपर जब एंट्री ले सकते थे, तो यह करीब 745 तक ऊपर गया था। और इधर 9385 में इसका फ्यूचर का निफ्टी फ्यूचर का लेवल था। इसमें निफ्टी का जो 9385 है, 9425 में ओपन हुआ था। 425 में ओपन होने के बाद ये ऊपर गया था 9463 तक। मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग चार्ट पे भी देख सकते हैं इधर के, इधर पहले ओपन होके गया था, नीचे नहीं आया था, ऊपर ही गया था। नीचे का जो लेवल है 20516 और 9344, वो फर्स्ट कैंडल में नहीं आया था, फर्स्ट कैंडल में इसका नहीं आया था, ठीक है ना। तो पहले आप लोगों को अपट्रेंड में ही अपट्रेंड में ही एंट्री लेना था। 9399 इसका लो था, तो नीचे का लेवल आया ही नहीं था। तो उसके बाद ये ऊपर गया था 9463 तक, 9385 से। तो ये आप लोग को फ्यूचर का अगला दिन का दिखा दिया। तो आज का मैंने अपडेट कल दिखाऊंगा, फिर से थोड़ा सा अपडेट करना हो सकता है, फिर से थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। अब लोग दिखाते दिखाते प्राइस को थोड़ा अपडेट करना पड़ता है। सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, सिस्टम का स्लो चल।
जब रिकॉर्डर चालू रहा था ना, थोड़ा सा इसको मैंने अपडेट कर लिया हूँ। बैठना पड़ेगा इस बैठना पड़ेगा इस बैठना पड़ेगा इस बैठना पड़ेगा इस बैठना पड़ेगा इसका हाई लो ब्रेक हो चुका है, 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 या स्केच ऑल्ड मार्केट पे स्केच ऑल्ड है, उसका हिसाब से कैलकुलेशन बनेगा। तो 9463, 9463 इसका हाई हो गया है, इसका हाई हो गया है 9463, लो 9399 रहा, और इधर इसका अभी करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 9450, 9450। और इधर मैन निफ्टी फ्यूचर्स का जो लेवल है 20,700, 20,745, और 601 लो है, और 20,715 चल रहा है, 20,715 इसका चल रहा है। तो और इसका देख लेता है एक बार, रिकॉर्ड चालू होने के बाद ये देखता है ना, प्रॉब्लम होता है ना। तो दोनों चार्ट का सेटअप में ही है। अच्छा, इधर हो गया है 20,768, ये आप लोग देख सकते हैं, 5 मिनट का चार्ट है, ये अप ट्रेंड में दिखाएगा, ठीक है। जब तक ये लाइन के ऊपर है ये अप ट्रेंड दिखाएगा, तो और भी बहुत सारा चीज़ है उसके बाद। और इधर 20,768, इधर 393 है, और इधर 20,750 चल रहा है, 20,750, ठीक है। और इधर निफ्टी का जो चल रहा है, बहुत ही रुकावट हो रहा है दोस्तों। इधर 20,781 और 9,481, 9,476, 9,476, ठीक है। तो मैंने पहले कुछ लेवल को कंपेयर कर लूँगा, देख लेता है फिर एक कुछ लेवल्स को, उसके बाद आप लोगों को फाइनल बताऊँगा। आप लोग मेरे को फीडबैक देंगे कि आप लोगों के अंदर कितना लोग लाइव स्ट्रीम में, ये वीडियो लोड होने के बाद तो आप कितना लोग लाइव स्ट्रीम में इंटरेस्टेड है, तो कितना लोग आ सकता है, तो उसका हिसाब से मैंने लाइव स्ट्रीम बनाऊंगा कल से। तो
तो आप लोगों को भी सुविधा हो जाएगा, आप लोगों को लेवल मिलेगा तो कॉल थोड़ा सा मिल जाएगा, तो आप लोगों को भी ट्रेड भी ले सकता है, कब्जा भी कर सकता है, उसका हिसाब से आप लोग बाद में ट्रेनिंग भी ले सकता है और क्या बोलता है कॉल सर्विस भी ले सकता है। अच्छा, इसका जो पहले वाला मैंने फिबोनाची का लेवल देख लेता हूँ, ये फिबोनाची का जो लेवल है तेरे की, ये सिस्टम में इतना प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए 9517 में इंडेक्स जो है 9517 के ऊपर वाई लेवल है और फ्यूचर 9490 का ऊपर वाई लेवल है और ये बैंक निफ्टी इंडेक्स 20913 के ऊपर वाई लेवल है और 20880 के ऊपर वाई लेवल है। सेल लेवल को भी देख लेता है, मैंने जस्ट अभी दो तीन सेटअप देखो देख लूँगा, मतलब दो तीन लेवल्स देख लूँगा, उसके बाद आप लोगों को फाइनल बताऊँगा कि हाँ इस लेवल के बाई है और इस लेवल पे सेल है। इधर 9404 मैंने एक ही लेवल देखता हूँ, मतलब फ्यूचर्स का लेवल देखता हूँ, 9409 के नीचे सेलिंग आएगा और 20549 के नीचे सेलिंग आएगा, ठीक है। और इधर भी देखता हूँ, गान का लेवल देखता हूँ, ये गान एंगल्स है 9453 के ऊपर वाई दिखा रहा है तो ऑलरेडी है ये चल रहा है ये, और इधर 20729 के ऊपर है, इधर देखते हैं नहीं हो रहे, मूव नहीं हो रहा है इतना बड़ा गड़बड़ी 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 स्लो हो गया। मार्केट आप लोगों को चार्ट में दिखा है, अप ट्रेंड लिया है लेकिन रेजिस्टेंस ले सकता है, कहाँ पर वहाँ का रेजिस्टेंस लेना है वही हम लोग को देखना है, रेजिस्टेंस से रिट्रेस होता है क्या नहीं होता है, या रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हम लोग को ऊपर ट्रेड लेना है। इधर से 9460 के ऊपर तो ऑलरेडी चला गया, 9471 के भी ऑलरेडी चल रहा है, तो मतलब 9494 के ऊपर इसका बाई लेवल है और 20894 के ऊपर अंश नहीं, और ये चल रहा था इसका लेवल तो आप लोग को दिखा दिया, आप लोग इधर से देख सकता है, मैंने तो देख लिया, और भी दो लेवल मैंने देख लूँगा तो दूसरा सीट में होगा। अरे यार इधर ही चल रहा है, इसको मैंने देखो कोशिश करता हूँ और भी लेवल्स देखने के लिए, जैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है। इधर 9474 पूरी वाई का लेवल आ गया था,
आई का लेवल इसका 974 का लेवल है, इसका लेवल इधर से भी लेवल देख लेता हूँ, इधर 9479 के ऊपर लेवल है ठीक है, और वाई का लेवल सॉरी 9465 477 के ऊपर लेवल है, और इसके बाद 9502, ये भी सर 743 भी 761। तो मैं उसके बाद चार्ट को भी एक बार देख लेता है, और इधर मुरेस का लेवल कौन सा लेवल पे है एक बार देख लेता है, 9682 9589 9579 9530 9482 के ऊपर इसका लेवल बनेगा, 9506 9530 और 20700 तो चल रहा है, इस 734 के ऊपर है, तो 771 के ऊपर इसका लेवल आएगा 20807 का। और भी लेवल देखता हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को फाइनल बोलता हूँ कि ये इस लेवल पर ऊपर बाई करना है। तो इधर जो दिख रहा है ये 20656 के ऊपर तो चला गया है, 20911 तक आ सकता है, और 20516 के ऊपर जाएगा तो 9633। तो ये थोड़ा सा लेवल बड़ा हो जा रहा है, तो मैंने इसका इस लेवल को फॉलो करता हूँ, इस लेवल को देखता हूँ। अभी पहले देख लेता है इसका मार्केट कहाँ पर है, इसमें थोड़ा सा फ्यूचर्स को देख लेता है। इसका मैंने एक बार फिर से अपडेट कर लेता हूँ, ये 9468 हो गया है, इसमें मूव करना सुविधा होता है। मैंने निफ्टी का ही दिया है, सॉरी मतलब फ्यूचर्स का ही देख लेता हूँ, इसका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है 468, और करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 9600 9466। और इधर 20778 20778 ठीक है। तो इसका भी लेवल इधर दिखा रहा है 779 के ऊपर 844 तक जा सकता है, 467 के ऊपर तो 767 के ऊपर 9478 513। तो इस लेवल को मैंने अभी नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, मैंने इस जो मैट्रिक्स है उसको ही कंसिडर कर ले रहा हूँ। तो उसमें कौन सा लेवल पे है एक बार देख लेते हैं, वही देखूँगा। बीस हजार सात सौ बहत्तर मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि ये इसका लेवल आ चुका है 20,000 बैंक निफ्टी का फ्यूचर का लेवल। इधर 9482 के ऊपर 9506 जा सकता है, और बैंक निफ्टी का आप लोग 20,808 के ऊपर भी पार कर सकता है। तो देखता है इसमें क्या हो रहा है, और इसका नीचे जब जाएगा मतलब इसका नीचे मतलब 734 का नीचे जब जाएगा तो ये 699 663 तक आ सकता है ठीक है।
और ये 9497 के नीचे जब जाएगा 9433 तक आ सकता है, तो एक बार देख लेते हैं। नहीं, ये 772 के ऊपर गया नहीं है, तो हम लोग इस लेवल को फॉलो करते हैं अभी। और इधर से जो लेवल दिख रहा है 9478 और 20796, और सेल का लेवल है 20760 और 9454। नहीं, ये इधर सेल का ये लेवल नहीं है, इधर का जो लेवल ही ठीक है, इधर का जो लेवल है ये लेवल ही ठीक रहता है। तो इधर 772 के ऊपर वाई का लेवल है और इधर 9482 के ऊपर वाई का लेवल है, ठीक है। और इधर 20,734 के नीचे सेल आएगा 20,699, 20,663 तक। मैंने आप लोगों को ये लेवल बताऊंगा, लेकिन लेवल दिखा रहा हूँ, लेकिन चार्ट से भी कंफर्म करूंगा, चार्ट भी देखना पड़ेगा। छत्तीस का नीचे जाएगा 20,699 और 20,663 20,627 और 20,891 20,891। वो देखते हैं, हम लोग चार्ट फॉलो करते हैं। देखिए ऊपर जा रहा है 772 के ऊपर ऑलरेडी चल रहा है, इसका 772 के ऊपर 808 तक लेवल है, उसके बाद 844 और इधर 400 के ऊपर गया नहीं है, 9400 के ऊपर जाएगा तो 9504। না লেটে না, আমি অনেকক্ষণ আগেই উঠেছি আর সারা ঘুমাইনি। না আমি সারা ঘুমাই, আমার এই ফাইলটাই আপডেট করে রেডি করতে দেরি হয়ে গেল, সারাটা থেকেই বসে গেছি, 9টা 37 মিনিটে বসে, 9টা 18 মিনিট, 9টা 20 মিনিট হবে, ওই সময় বসে গেছি।
ওটা তো ওটা তো আমি আর কথার সময় ওটা তো ওটা তো আপনি যে চলে চলে গেছে যেটা হয়েছে তো আপনার ধরুন 745 ওটা তো 950ই হয়ে গেছে আপনার 950ই আপনার ওই লেভেল মেরে দিয়েছে। তারপর থেকে তো সাইডে মুভমেন্ট আছে, হাতে নিচে এসেছিল তারপরে আবার হাতে যাচ্ছে। লেভেল চলছে এখন, মানে ব্যাঙ্গলোর লেভেল আছে 772 লেভেল আছে, 772-এর ভিতরে ওটা 2,911-এর কাছাকাছি যেতে পারে আছে। ফার্স্ট হচ্ছে 808, তারপর 844। আমি তো বললাম 808, 844। চল রা হয় ফার্স্ট টার্গেট 20,808, উসকে বাদ 844 আর 20,880, আর এসা যে লেভেল হিসাব 9,482 এসা লেভেল আমি তো লেভেল পাকা রা হয় তো 2,957 লেভেল পাকা রা হয় তো আজ তো চল রা ইসকে লেভেল 9,482 তক আ সকতা হয়। 9,482 ক্রস করনে কে বাদ ইয়ে 9,506 তক যা সকতা হয়। আর ইধার আপ লোগ অপশন মে যো টেট করেঙ্গে তো দেখিয়ে 20,100 কা লেভেল যে চল রা হয় একচুয়ালি মেরা ইধার লগা হুয়া থা তো ইসকা ऊपर या नीचे वाला लेवल सब लोग देख सकते हैं। इनका 730 शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया इस पर, और 9,300 का ये 782 चल रहा है, 2,300 ये रुका हुआ है, सेल ज़्यादा हो गया है।
800 चल रहा है, इसको भी आप लोग बाई कर सकते हैं इस प्राइस में, इस प्राइस में आप लोग को बाई कर सकते हैं। नेट में प्रॉब्लम आ रहा है, रख सकते हैं। बीस हज़ार 686 का नीचे इसका सेल लेवल आ सकता है, इस लेवल तक आप लोग मतलब होल्ड कर रख सकता है बाई का लेवल। सबसे ज़्यादा ऊपर दिखा रहा है सुपर में, ये 88 नेस्ले ब्रिटानिया, 89 चल रहा है सन टीवी बाजार चार्टो,
শান্তি বজায় যত ইতি নাই রিলায়েন্স পিসিল পিসিল কাজে সক্ত হ্যাঁ ঠিক আছে শান্তি কি বাজার যত কমাই না দেখ লেতা হুম ইসমে শায়দ মানে জিস টাইম আপডেট কিয়া থা উস টাইম কাজ সবসে ইয়ে সান টিভি কো বাই করনা যা জটো কো বাই করনা যা জটো কো বাই করনা পড়েগা তো আপনি একবার চার্ট পে দেখ লেতে হয় নেট মে বহুত হি প্রবলেম দে রহা হ্যায় সান টিভি নেট মে বহুত প্রবলেম দে রহা সান টিভি আর बजाज ऑटो का जो लेवल है वो दिखना पड़ेगा तो इधर देखिए 269 मेरा नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है तो आप लोग देखिए थोड़ा सा और इधर देखिए इधर हाँ सन टीवी को सेल करना पड़ेगा और बजाज ऑटो को बाई करना पड़ेगा तो सन टीवी को सोच लीजिए 386 में सेल किया है 386.50 और बजाज ऑटो को 2509 में बाई किया है तो 386.40 और 2509 ठीक है दोस्तों ये सेल किया है बजाज ऑटो सॉरी सन टीवी को सेल किया है बजाज ऑटो को बाई किया है तो देखते हैं इसमें क्या होता है और बहुत सारे लोग आर्बिट्रेज के बारे में बोलता है तो मैंने कल इसको कल अपडेट किया था इसका आज अपडेट नहीं किया हूँ तो इसका एक बार देखते हैं इसका कितना बेसिस पॉइंट चल रहा है एक्चुअली मनीकॉन कुछ साइट है उसमें भी देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे का कोशिश कर रहा है लेकिन सपोर्ट ले रहा है और इधर बजाज ऑटो बाय किया है और सन टीवी को सेल किया है और एक बार आर्बिट्रेज को देख सकते तो अच्छा होता था देखते हैं आर्बिट्रेज का एक्चुअली ये फ्यूचर्स का लाइव मार्केट में डाउनलोड नहीं कर पाता हूँ फ्यूचर्स को एक दो देखे मतलब इंडिविजुअली देखना पड़ता दी यदि इसका इससे नेट चला जाता है
7 दिन अच्छा होगा। भाई 772 में इसका भाई किया आया था, इसका अभी तक सेल का लेवल आया नहीं है, कुछ क्रॉसओवर वगैरह कुछ में ही नहीं दिखा रहा है अभी तक। भाई का साइड में है, अपॉर्चुनिटी कुछ नेगेटिव रिलेशन है उसमें अच्छा कुछ मिलता है, मतलब बेसिस पॉइंट अच्छा रहता है, तो इसीलिए इसको देख लेते हैं एक बार। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का कैश और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का फ्यूचर सपोर्ट ले रहा है इधर, बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है दोस्त।
दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 20,795 तक ये हाई गया है अभी अभी। इधर ये स्कैंडल पे देखते हैं 808 का जो लेवल है वो जा सकता है नहीं जा सकता है। और इधर ऑप्शन का क्या हो रहा है दिख रहा है देख सकता है। इधर ऑप्शन का जो था कहाँ पर था 272 कितना आ गया था 295 तक इसका आ गया था। और ये इधर देखिए ये बजाज ऑटो 2509 से बाय किया था 2518 किया था। और इधर से 9 पॉइंट और इधर सेल किया था सन टीवी सेल किया था। अब लोग जब वीडियो रिवाइंड करके देखेंगे 386.40 को इसको सेल किया था तो दोनों साइड से प्रॉफिट है। और मैंने कुछ आर्बिट्रेज बहुत लोग जानना चाहता है तो देखते हैं एक बार। एक्चुअली इधर आर्बिट्रेज का मैंने जो बेसिस पॉइंट जो साइड से मिलता था तो अभी नहीं देख रहा हूँ तो देखता है फिर से इसका। ये इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का अच्छा स्प्रेड रहता है तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसको कैश को सेल करना पड़ता है और फ्यूचर को बाई करना पड़ता है। एक्चुअली कैश ये कैश फ्यूचर 128.40 चल रहा है फ्यूचर और इधर कैश चल रहा है 128.30 नहीं ज़्यादा स्प्रेड कुछ नहीं दिख रहा है। पेल को एक बार देख लेते हैं पेल में भी अच्छा रहता है। पेल का 945.80 और फ्यूचर 943.50 तो 943.50। देखिए ये कैश ज़्यादा है फ्यूचर्स कम है तो इसको कैश को सेल करना पड़ेगा और फ्यूचर को बाई करना पड़ेगा। सोच लीजिए 945.95 में इसका बाई है और 900 क्या मूवमेंट नहीं दिखा रहा है इसका नेट चला गया। तो इसका 946 इसमें सेल करना पड़ेगा और 943.50 को इसको बाई करना पड़ेगा। दोनों साइड में 10 पॉइंट हम लोग स्टॉप लॉस रखता है तो देखते हैं इसका क्या होता है। 945 में सेल 943.50 में बाई 945.95 में सेल 43.95 में बाई बहुत सही दोनों 10 पॉइंट स्टॉप लॉस। बजाज ऑटो ये जगह पे है और बसंत भी गिरा है और निफ्टी बैंक निफ्टी स्टील ट्रेड में है। इसका कुछ रिवर्सल नहीं आया है ठीक है। इसका 730 का 730 नहीं इधर 700 का नीचे इसका मतलब 687 के नीचे इसका स्टॉप लॉस है। अभी अभी 765 पड़ा है। अरे बैंक निफ्टी फ्यूचर सॉरी बैंक निफ्टी ऑप्शन 700 ऑप्शन 295 और वो 20,795 मारा है और इसका भी 782 अभी तक आया नहीं है 9,482 सॉरी। तो मैंने जो बोल रहा था आप लोग को तो ये वीडियो बाद में दिखाई देता है तो आप लोग को देखिए कॉल वगैरह कुछ रहे आप लोग ले सकता है या
कॉल वगैरह आप लोग कुछ देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है या अटेंड कर सकता है, नहीं तो मैंने लाइव आऊँगा तो आप लोग आएंगे तो मैंने जरूर लाइव, आप लोग इंटरेस्टेड आएगा तो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा। तो इसमें आप लोग यूट्यूब वीडियो का कमेंट्स में आप लोग मेरे को बता सकते हैं, आप लोग का इरादा आप लोग को बता सकता है मेरे को, जितना जिन जिन लोग का इंटरेस्ट होगा, और मेरे को व्हाट्सएप पर के भी बता सकता है। तो कल से मैंने फिर से लाइव स्ट्रीमिंग आने का कोशिश करूँगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन का भी क्लैरिफिकेशन, जो बाई सेल लेवल्स आए ट्रेडिंग के बारे में, और कुछ भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ भी कुछ क्लैरिफिकेशन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर सेशन हो सकता है। तो आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो इस सकता हूँ। तो इसके लिए आप लोग यूट्यूब वीडियो का कमेंट्स में या व्हाट्सएप में मेरे को बता सकता है, तो उसी के हिसाब से मैं आऊँगा। तो इसमें आप लोग को सभी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। क्या कर रहा है ये, क्या हो सकता है जी, इसका मैंने चीज देना सीख देना चाहिए था। इधर भी आप ट्रेंड नहीं दिखा रहा है, 30 मिनट में भी आप ट्रेंड दिखा रहा है, और आर्ली चार्ट में भी आप ट्रेंड है, तो ये आप ही जाएगा दोस्तों। इसका स्टॉप लॉस कुछ 20,662 का नीचे, मतलब इस कैंडल का नीचे या इस कैंडल का नीचे इसका स्टॉप लॉस बन सकता है। इससे ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा अप डाउन कर रहा है लेकिन फिर से ऊपर जा रहा है। पीएल को 210 पॉइंट स्टॉप लॉस है, ठीक है दोस्तों। एक्चुअली इसका मतलब इसका प्राइस कम गया है तो इसको 0.5% टू 1% स्टॉप लॉस रखना चाहिए, तो इसी का हिसाब से मैंने 6 पॉइंट स्टॉप लॉस पकड़ता है। इसको 946 में सेल किया है, इसको 944 में बाई किया है, देखते हैं। और इधर तो आप लोग को थोड़ा प्रॉफिट दिखा है, मतलब पेयर ट्रेडिंग में बाय सांटी और बाय जाटो का, इसका आप लोग को मतलब क्वांटिटी एडजस्ट करना पड़ेगा। बजाज ऑटो 100 क्वांटिटी लेंगे तो उसको हम लोग को जितना प्राइस का डिफरेंस है सोच लीजिए 8 पॉइंट, उसको 800 क्वांटिटी लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट होगा। अब लोगों को फ्यूचर भी, शायद फ्यूचर का लॉट साइज भी, फ्यूचर में पैटर्निंग कैसे करेंगे तो भी उसका लॉट साइज ऐसा ही कुछ दिखेगा, मतलब डिफरेंस। बजाज ऑटो का शायद 250 का स्टॉप लॉस है, सॉरी 250 का लॉट साइज है, सन टीवी का पता नहीं, मेरे का कुछ
कुछ 1800 या 2200 का स्टॉल मतलब लॉट साइज हो सकता है। मार्केट थोड़ा सा अभी साइडवेज चल रहा है। थोड़ा सा क्या बोलता है कितना से इधर इधर 772 के ऊपर बाई का लेवल था, 205 सॉरी कितना का लेवल था उसका, बाई का लेवल आप लोगों को क्या बताया था, बाई का लेवल जो बताया था 772 के ऊपर उठा, 808 795 तक आके आग रख गया, फिर से नीचे आ गया है। उसका जो प्रोबेबिलिटी को एक बार देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी तो आप में ही दिखा रहा है और इधर का जो प्रॉबिटी दिख रहा है अभी आप में दिखा रहा है, देखते हैं। हो सकता है कि मेरा वीडियो ख़त्म हो जाए क्योंकि मेरा वीडियो शायद एक घंटा के बाद शायद अपने आप ख़त्म हो जाता है, तो देखना पड़ेगा। आप लोग भी ऑब्जर्व करेंगे फिर और मेरे को फीडबैक ज़रूर देना। और आप लोग इसमें आप लोग का पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मैंने इसका मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, वो भी आप लोग को मिल जाएगा जो आप लोगों को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और मैंने बाई लेवल ऑफ इक्विटी, बाई लेवल सेल लेवल ऑफ इक्विटी, कमोडिटी निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल्स दिखाता हूँ, तो वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रेटजी है, टेक्निक्स है, वो भी आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आप लोग को मेरे को फीडबैक मिलने के ज़रूर जानकारी देंगे कि इसका आप लोग कितना इंटरेस्टेड है कि लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, तो मैंने लाइव में आ जाऊंगा। इससे मेरा जो चैनल है का बहुत ही प्रॉब्लम चलता है दोस्तों, इसको इसमें आप लोग को देखिए लाइव निफ्टी बैंक निफ्टी के इक्विटी पेयर ऑप्शन को दिखाऊंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस आप लोग देख सकते हैं, बैंक सेलिंग लेवल्स देख सकते हैं, और भी बहुत सारा वीडियोस है इसमें जिसमें आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये गान मूविंग एवरेज और विद वॉल्यूम प्रोफाइल, इसका स्ट्रेटेजी भी आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। पावर ऑफ डा इसमें आप लोग इसको ऑब्जर्व कर सकता है। इसमें
नेट में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। ही हेल्पफुल रहेगा ये आप लोग को, और हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इस चैनल पे आप लोग को बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। जितना सारा चार्ट का सेटअप है एक दो आप लोग करेंगे और इसको डेबल एपिस करेंगे, इसका एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा है, आप लोग को एक्यूरेसी मिलेगा। ये ऑसम इंटरडे पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाएगा। ये पे ट्रेडिंग कैसा है आप लोग को जाए वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। आर्बिट्रेज का ट्रेडिंग आप लोग को फिर मैं कैसे किया जा सकता है ये इसका आप लोग जरूर देख लीजिए। ये सब वीडियोस बहुत वेबसाइट है आप लोग को जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उसमें इंट्रोडक्टरी जो स्लाइड में था पावर पॉइंट में उसमें आप लोग को दिखाई देगा मेरा www.stocktradingadvisor.com wordpress.com